हेलो डीएस, अस्सलाम वालेकुम। एक चैलेंज दिया था हमने टिकटॉक पे, आईक्यू का क्वेश्चन था कि अगर ये जो पैटर्न है आपके सामने आंसर है तो 5-7 का क्या होगा। अब कई स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे थे, लेकिन काफ़ी ने सही जवाब भी दिए। देखें, कई बोल रहे थे कि राइट साइड वाला नंबर देखें, वही रखना है। तो मैं पूछ रहा था कि लेफ़्ट वाला क्यों ना, ये भी तो सेम है, तो 5 क्यों ना रखें यहाँ पे, 7 ही क्यों। लेकिन इसका जवाब ना 5 है ना 7 है, एक जो ट्रिक है उनके हिसाब से ये सभी आंसर सही बनते हैं, और वो है एवरेज का। ठीक है, यानी कि सरासरी का। अगर मैं यहाँ पे एक और डिजिट बढ़ा देता फिर, सो इस हिसाब से ये जो है बनता है एवरेज का। सब देखें कैसे इसको हम ऐसे करेंगे, 4 और 4 बनते हैं 8, ठीक है, 4 एंड 4 बनते हैं 8, ये 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, एवरेज जगह 4। अगेन 6 एंड 6 से बनते हैं 12, डिवाइड बाय 2 इज 6। 9 एंड 9 18, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9। सो एज फॉर 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6। सो इसका जो आंसर आएगा वो है 6। 6 इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। टिकटॉक पे ये चैलेंज दिया था कि 1 प्लस 5 18, 2 प्लस 10 36, 3 प्लस 15 54, सो 4 प्लस 20 कितना बनेगा। देखें, जब हम 1 प्लस 5 करते हैं तो 18 इस तरह बनता है कि 1 प्लस 5 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें बनेगा 18। सो जब हम 2 प्लस 10 करते हैं, मतलब कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36। सो जब हम 3 प्लस 15 करते हैं, यानी कि 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनते हैं 54। सो इसी तरह जब हम 4 में 20 ऐड करेंगे, यानी कि 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बनते हैं 72। सो इसका जो राइट आंसर था वो था 72। इसमें एक और बात देखने वाली ये थी कि लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 10 15 10 20, राइट साइड से आए तो 1 3 5 7 आना था, 8 6 4, यहाँ पे ये जो है 2 आना था। सो इसलिए ये 72 बाय मल्टीप्लाइंग 3 इज़ करेक्ट आंसर। देखें डियर फ्रेंड्स, टिकटॉक पे एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था मैथमेटिक्स का, इजी है ये, दिमास रूल का। और मैंने आपको कहा था कि मैं फ्री टाइम में इंशाल्लाह इसकी सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आपको बताऊँगा। सो देखें, एज डिमास रूल पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। सो इस लिहाज से पहले हम डिवाइड को देखेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 8, पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। सो बाकी जो भी है वो सेम रहेगा, 8 डिवाइडेड बाय 8, यानी ये इस तरह है। सो 1, 8 डिवाइड बाय 8 इज़ 1 लिखेंगे, यहाँ से सेम लिखेंगे, प्लस 8 इंटू 8 माइनस 8। अब डिवाइड हो गया, अब हम जाएंगे मल्टीप्लाई की तरफ। सो यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई है, यहाँ पे था 8 इंटू 8, 64 होता है, 8 टाइम 8 64। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 टाइम्स 8 64 माइनस 8। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, एड देन सब्ट्रैक्ट। या यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप 8 प्लस के 8 माइनस के ख़त्म कर सकते हैं। सो 64 एंड 1, दैट इज़ 65। सो 65 आंसर सही था। डिफरेंसिटी से कमेंट आए हैं जिसके 65 करेक्ट है, सो गुड लक। और ऐसे बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स चैलेंज वेरी वेरी इजी, ये जस्ट इंटरेस्ट के लिए था कि मैथमेटिक्स में जो इंटरेस्ट लेते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने रिप्लाई किया होगा,
बाकियों ने तो स्किप कर दिया। थैंक यू वेरी मच।